अपन डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। देखो ये क्या कहते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ही हम आज डिस्कस करेंगे। और अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स के लिए सबसे पहले एक हाइपोथेसिस डेवलप हुई, पहले बर्ले ने दी, ठीक है, फिर मींस ने, फिर उसमें ऐड हो गया, बर्ले मींस थी पहले, फिर उसमें गिलबर्थ हो गया, तीनों ने ऐड हुआ, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बना दी जिसको बोला गया आपका BMZ हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका नाम क्या है? बर्ले मींस गिलबर्थ, ठीक है, हाइपोथेसिस। देखो क्या हुआ, आपने पढ़ाया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, पढ़ाया सभी ने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सभी ने पढ़ाया। ये क्या कहता है? ओनर एंड उसका जो ओनर होता है वो बिजनेस, दोनों अपने आप में अलग है। मैं कहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, वो अलग है मुकेश अंबानी से, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय या मतलब वाइस चांसलर, इसका कोई लेना देना नहीं है। समझे मेरी बात को, कि दोनों एक अलग है, कॉर्पोरेट वेल है उनके बीच में कोई ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है BMZ हाइपोथेसिस, आपको पता है कि एक तो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको आपने क्या कह दिया, मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। और एक होते हैं आपके शेयर होल्डर, यानी ये क्यों कौन होते हैं? ओनर्स। ये कौन आपके? ओनर्स। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ओनर्स क्या चाहते हैं? कि उनके प्रॉफिट ज्यादा बने, बिल्कुल चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनको सैलरी ज्यादा मिले, इनकी पर्क्स ज्यादा मिले, सर्विसेज ज्यादा मिले, कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों के बीच में। मेरी बात ध्यान से सुना, BMZ हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रहा है, नो डाउट प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट है कि ओनर चाहता है कि प्रॉफिट का सारा हिस्सा इनको मिले, और ये चाहते हैं कि इनको ज़्यादा सर्विसेज मिले, मतलब ज़्यादा पैसा मिले, रेमोनरेशन मिले। तो दोनों के बीच में हो जाता है क्या? कॉन्फ्लिक्ट। किस वजह से? दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तब फिर क्या होगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनके एजेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं, शेयर होल्डर के एजेंट के रूप में काम, ये इनको इतना ही खुश करते हैं, इतना ही पैसा देते हैं कि ये खुश रहे, इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई रहे और इनका काम चलता रहे। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? इनका अपना क्या है, इंटरेस्ट है पैसा कमाने, मैनेजमेंट का, कि ये अपना जो राइट है इंटरेस्ट को, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं प्रॉफिट बढ़ाना, तो ये इनके लिए काम कर रहे हैं, इनको सेटिस्फाई करके ये कितना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कहा BMZ हाइपोथेसिस ने। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इसके एम्प्लॉयज है, कि इनकी जो सैलरी है, पक्ष है, सर्विस है, वो ज़्यादा मिले। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं? शेयर होल्डर चाहते हैं कि इनको ज़्यादा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा मिले, और इनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। ये लोग इनके लिए काम कर रहे हैं तो इतना काम करेंगे ये इनके लिए कि इनके मतलब ये लोग सेटिस्फाइड रहे इनसे। समझ में आई? तो इसको बोलते हैं आपका सेटिस्फाइंग बिहेवियर, ठीक है। देखो एक बात सुनिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो क्या उनको कोई इंसेंटिव दिया जाएगा? मैनेजर्स को देना चाहे तो दे, नहीं तो ना दे। कंट्रोल किसका होता है प्रॉफिट पे? राइट किसका होता है? वो नहीं, इनका होता है भाई राइट, शेयर होल्डर का होता है, ओनर का होगा राइट, तो ये तो एम्प्लॉई है, काम करे तो ये नहीं करे, कंट्रोल इनका होता है, ये चाहता है पूरा कंट्रोल करे, लेकिन ये भी चलाक पर्सन है, ये क्या कर रहे हैं, इतना ही काम करेंगे कि ये भी सेटिस्फाइड रहे। आगे समझ में? तो ये किसने कहा? BMZ हाइपोथेसिस ने, ठीक है। इसने क्या कहा, ये कहती है कि भाई जो ओनर्स का कंट्रोल होता है हायर प्रॉफिट पे, जबकि मैनेजर का होता है इंसेंटिव्स पे, ठीक है। मैनेजर चाहते हैं, मैनेजर ऑफ लार्ज कॉरपोरेशन चाहते हैं कि गोल्स इस तरीके से सेट किया जाए कि ओनर आपका सेटिस्फाइड हो जाए, और मैनेजर कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट इन द कॉरपोरेशन। मैनेजर आपके क्या है, ये तो सेटिस्फाइड हो जाए और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट हो जाए, इतनी सी बात। आगे समझ लीजिए किसने कहा, BMZ हाइपोथेसिस ने। इसी में आपका सबसे पहले आपका जो बना वो आया, मतलब अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव में वो आया बामोल। बामोल की क्या है, सेल्स
रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ये अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव बताया कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट की जगह आप क्या कर रहे हैं, सेल्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सेल्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा। सुने हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में, बामोल की जो हाइपोथेसिस वो कहती है ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिवेन्यू बढ़ाना होता है, सेल्स इंक्रीज करनी होती है। मतलब आपका फोकस ये नहीं कि प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, आपका ये कि सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, रिवेन्यू अपने आप बढ़ेगा, अगला काम अपने आप हो जाएगा। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि दो तरीके के आपके यूटिलिटी फंक्शन है, मैनेजर यूटिलिटी, सुन लो आप, वही दो बातें आएंगी बार बार, ये रिपीट होनी है, मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन और ओनर्स यूटिलिटी फंक्शन। वही मैं बात बोल रहा हूँ, ओनर का यूटिलिटी क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मैनेजर का क्या है उनके पक्ष को, इनके इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना। दोनों का यूटिलिटी फंक्शन को इस तरीके से इसने कहा कि सेल्स को मैक्सिमाइज करके अटेन किया जा सकता है। तो ये क्या इसने बता दिया कि जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। बीएमजी ने सबसे पहले डिफाइन किया कि भाई कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, उनके बाद पहला ही आया आपका कि बामोल सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। बीएमजी ने एक हाइपोथेसिस डेवलप की थी कि भाई दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, और फिर वो जो मैनेजर चाहते हैं वो इतना ही काम करते कि आपके ओनर सेटिस्फाइड हो। उसके बाद ये फर्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव आया बामोल्स का हाइपोथेसिस ऑफ सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। आगे भी बात समझ में आई अभी, ठीक है। दूसरा है आपका मैरिज हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, मैरिज हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। क्या मैक्सिमाइज कर रहे हैं, फर्म्स ग्रोथ रेट। ये देखो दूसरा, उसने किस पे बात की थी, उसने बात की थी इसने किस पे, सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे, और इसने किस पे बात की है कि फर्म की ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करना है। फर्म की ग्रोथ रेट को क्या करना है आपने, मैक्सिमाइज करना है। अब ये जो ग्रोथ रेट है ये किस पे डिपेंड करती है, जो आपकी बैलेंस ग्रोथ रेट है, ध्यान से सुनना ये मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको, जो ये ग्रोथ रेट है बैलेंस ग्रोथ रेट, ये किस पे डिपेंड करती है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ रेट क्या है और आपने कितनी कैपिटल लगाई है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बैलेंस ग्रोथ रेट जो मैरिज ने कहा है वो कहता है कि उस लेवल पर मैक्सिमम होगी जहां पर आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट क्या है, प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, और दूसरा आप प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है। अगर दोनों की ग्रोथ रेट अगर आपकी इक्वल है तो वहां पर आपकी बैलेंस ग्रोथ रेट होगी एज पर मैरिज। आई बात समझ में, हाँ बताओ भाई, कैपिटल, कैपिटल की ग्रोथ रेट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट। है जब अगर ये दोनों सेम रेट से ग्रोथ करेंगे ना, कौन कौन सी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट की डिमांड की है, इसकी जो ग्रोथ रेट है, तो वहां पर बैलेंस ग्रोथ रेट होगी, ठीक है। कैपिटल कौन लगाते हैं, शेयर होल्डर यानी ओनर लगाते हैं, और ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, डायरेक्टर्स या जो एम्प्लॉयज होते हैं। अगर ये दोनों सेम रेट से ग्रोथ करेंगे, यानी मान लो दोनों पार्टीज, मैनेजर यूटिलिटी फंक्शंस और आपके ओनर्स यूटिलिटी फंक्शन, वही बात आएगी, दोनों इक्वल हो गए तो आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी। आगे समझ में मैरिज वाली, ज्योति नहीं आई, देखो दो तरीके की ग्रोथ रेट है कि आपके प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ रेट क्या है। प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट का मतलब है सेल ऑफ द प्रोडक्ट, सी फॉर कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके ओनर्स। अगर दोनों की ग्रोथ रेट अच्छी है और एक दूसरे के इक्वल है, सेम रेट से ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो आपकी बैलेंस ग्रोथ रेट हो जाएगी। मतलब इतनी ग्रोथ रेट से आपको काम करना चाहिए, आपके मतलब ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ज्योति समझ में आई बात, ठीक है। हाँ भाई, ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया। थर्ड आपका आया विलियमसन हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, ये बिल्कुल उसी पे फोकस है। विलियमसन क्या हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ऑफ
मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन। मैंने अब ये ना सारे एक जैसी बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसको मैंने वो कर रहा है, मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन। विलियमसन क्या कहता है, विलियमसन ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर वो प्रिंसिपल होते हैं और जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो क्या होते हैं, आपके एजेंट होते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल कौन हो गए आपके, आपके ओनर हो गए, और एजेंट कौन हो गए आपके, एजेंट हो गए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉय। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो विलियमसन हाइपोथेसिस ये कहती है, ये जो लोग हैं ना एजेंट लोग, ये अपना यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इनके लिए सिर्फ इतना काम करते हैं कि इनको कुछ ना कहे, इनको सेटिस्फाइंग बिहेवियर और ये बाकी सब अपना रखना चाहते हैं। विलियमसन की बात समझ में आई आपको, विलियमसन कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज है ना वो अपने पास रखना चाहते हैं चीज़ें, इनको इतना ही देते हैं कि ये सेटिस्फाइड रहे। हाँ जी, नहीं आई समझ में। हाँ तो वो उनको रिकॉर्ड देख कर ही बोल रहे हैं कि उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही कह रहा है कि हाँ मैम सेटिस्फाइड है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इतना ही, नहीं इतना ही काम किया है, ठीक है, ओके। उसके बाद आया आपके पास, ये कहता है विलियमसन हाइपोथेसिस जो है ना वो ये कहती है, यहाँ पर जो मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन है, मैनेजर चाहता उसका यूटिलिटी है, यानी उसके जो है जो सैलरी है, पक्ष है, वो ज़्यादा इंक्रीज होती रहे। वो उनको एजेंट मतलब अपने प्रिंसिपल को इतना ही पैसा देते हैं कि वो सेटिस्फाई रहे उनसे। नहीं आई वो समझ में, कमा के दे रहे हैं ना एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का काम। ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ कंपनी में जाते हैं, आपने क्या पता कोई ओनर बैठा हो यहाँ पे, आप लोग बैठे हो और आपने देखा इक्विटी शेयर होल्डर कितना दे, वो जितना डीपीएस आपने सुना होगा डिविडेंड पर शेयर जितना देते हैं, कितना देते हैं, सारा थोड़ी कमा के ले तुम ले लो सारे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो रख रहा है सारा। नहीं आई समझ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट यहाँ पर एजेंट के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एम्प्लॉय तो वो तो कुछ रोला दे रहा नहीं उनका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है उन्हीं का तो कंट्रोल होता है। ओनर कौन है, ओनर आप सभी शेयर होल्डर हो, आपको क्या देते हैं, आपको एक रुपये डीपीएस दे दिया डिविडेंड पर शेयर, दस रुपये लगा रहा है कि आपको हर साल एक रुपये देते रहेंगे। नहीं आ रही समझ में, प्रैक्टिकली समझ लो आप इस बात को, आपको ओनर कितना दे रहा है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुकेश अंबानी है, उसका एक पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी सैलरी है 10-10, 20-20 लाख रुपये। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, आपके 10 शेयर लगे उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे मिल जाएंगे, मतलब 10 रुपये का लगाया तो उसको क्या पता 50 पैसे डिविडेंड दे रहे हो, आपको 10 पैसे दे रहे हो सकता है ना। तो ये बात यहाँ पर कर रहा है ये, ठीक है, है? आप ना अपनी अपनी पे मत ले, आपसे बिजनेस की देखो एक बात, जब अभी आप कॉमर्स पढ़े आप बिजनेस की साइड से सोचेंगे, ये पहला रूल है सीखने का, आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, आप एक पूरा बिजनेस है, ठीक है, उस साइड से सोचिए आप, हमें ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव बिजनेस फर्म, तो उनका सोचो ना आप, बिजनेस फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्रोथ रेट करनी अपनी, बैलेंस ग्रोथ करनी, अपना मेजर यूटिलिटी फंक्शन आपने मैक्सिमाइज करना, ठीक है। यहाँ पर बस वो विलियमसन कहता है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर हो स्टाफ पे, मैनेजर का उनके सैलरी वो बढ़े आपके, डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट और भी मतलब लाइक जैसे आपने उनके खाने पीने की कैंटीन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कर दिया हो, इस तरीके का आपका काम करेगा। आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ लो आपकी, यहाँ पर जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजरियल्स है, वो अपने बंगला गाड़ी इनकी पैसों पर खर्च कर रहे हैं, और जो शेयर होल्डर उनके इतना पैसे दे कि वो कुछ ना बोले आके, समझ जाओगे इतनी बात अभी तक देखो जो जो पढ़ी आपने। बीएमजी इन सभी का एक ग्रुप है जहाँ डेवलप हुआ अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव, उन्होंने कहा कि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड ओनर्स,
ओनर्स अपना प्रॉफिट उनका कंट्रोल होता है, वो चाहते नहीं कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो ये तो होता ही है, कौन चाहता है कि उसका प्रॉफिट शेयर हो? मैनेजर क्यों चाहेगा उसको सैलरी कम मिले? तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इसलिए हाइपोथेसिस आई, पहली हाइपोथेसिस दी भाई किसने? बामोल ने, कहा कि सेल्स रेवेन्यू बढ़ाओ। दूसरी किसकी थी आपकी? मैरिस की। मैरिस ने क्या कहा कि फर्म की ग्रोथ रेट बढ़ाओ। तीसरी किसकी आई आपकी? विलियमसन की। इसने कहा कि मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। फोर्थ आई आपकी साइट मार्च की,